टीकमगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। मंगलवार को खजुराहो से ट्रेन का शुभारंभ हुआ। 11:30 बजे ट्रेन टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार छतरपुर से ट्रेन में बैठकर आए। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए, केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। करीब 10 मिनट ठहरने के बाद वंदे भारत ट्रेन हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार को टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी की। इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने वंदे भारत ट्रेन की खूबियां गिनाई। बुंदेलखंड के लोगों को जो एक नई ट्रेन की सौगात मिल रही, इससे क्या लाभ होगा? विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने आज पूरे बुंदेलखंड को अपना विशेष स्नेह प्रदान किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि टीकमगढ़ के स्टेशन पर 8वीं ऐसी ट्रेन होगी, इस 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड और खासतौर से टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा के लिए कई ऐसे बड़े काम किए गए हैं। आज भी एक ऐतिहासिक सौगात टीकमगढ़ जिले की जनता को मिली है। मैं टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही समस्त जिलेवासियों को बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप सब पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीष प्रदान करें, जिससे कि आगामी समय में भी हमारा देश और आगे बढ़ सके। टीकमगढ़ में आ रहे हैं और इससे क्या है कि वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से चलकर निजामुद्दीन दिल्ली को कनेक्ट करेगी, जिससे आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये पर्यटन में भी हमें सहयोग मिलेगा। खजुराहो एक देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। खजुराहो है, टीकमगढ़ है, इसके बाद ललितपुर, आप देखेंगे झांसी होते हुए ग्वालियर स्टॉपेज होते हुए ये दिल्ली जाएगी। तो ये देश के लिए और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त जो हमारी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये युवाओं के लिए और जितने लोग क्षेत्रीय पर जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें भी उनका सहयोग रहेगा और ये देश दुनिया से हम राजधानी से जुड़ेंगे, टीकमगढ़ से, छतरपुर से, खजुराहो से। तो एक अच्छा एक विकास होगा और ये एक भारतीय रेल के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम है जी? नाम मैं अमित आनंद, सीनियर डिसीजन झांसी। सर जी, सीनियर सिटीजन और अधिमान पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुविधा दी? सीनियर सिटीजन और अधिमान पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुविधा इस वंदे भारत ट्रेन में? हाँ, इस ट्रेन में देखिए क्या है कि कुछ सीटें रिजर्व रहती है सीनियर सिटीजन्स के लिए और जैसे कोटा का सिस्टम होता है, तो इसमें यह है कि आपको जो सीट के जो फैसिलिटी है वो आम आदमी को बैठने में, सीनियर सिटीजन को बैठने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और ये सूचना इसमें पूरा डिजिटली आपको रिले किया जाएगा। ये जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होगी, तो ऐसा है कि जब जनता अवेयर रहेगी तो ये सुविधा आप ले पाएंगे। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।